हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर फिफ्थ हो चुका है आप लोगों का। सिक्स्थ लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, लेक्चर सिक्स, नाइन्थ क्लास मैथ, चैप्टर नंबर टू स्टार्ट कर रहे हैं। वही फिफ्थ क्लास के लेक्चर को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, लेक्चर नंबर सिक्स बनाकर। इसमें आप लोगों को अब की बार एग्जांपल नंबर सिक्स करने जा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर सिक्स जो है, आप यहां पे ध्यान से देखिएगा। एग्जांपल नंबर सिक्स के अंदर, जो कि पेज नंबर 36 पर बुक के अंदर गिवन है, उसमें आप लोगों को पी एक्स गिवन है एक्स प्लस में 3x² माइनस में 1, और जी एक्स गिवन है आप लोगों को 1 प्लस में एक्स। आप एक बार बुक खोल के देख लीजिए अपनी। माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक बार देखिए, यहां पे पी एक्स जो है गिवन है 3x² प्लस में एक्स माइनस में 1, और जी एक्स जो गिवन है वो गिवन है x प्लस 1। पहले बड़ी डिग्री वाली टर्म, फिर छोटी डिग्री वाली, फिर उसे छोटी डिग्री वाली, पहले ये x वाली बड़ी डिग्री वाली और उसके बाद छोटी डिग्री वाली टर्म आपको लेनी होगी। स्टार्ट कर रहे हैं, 3x² प्लस में x माइनस में 1, इसको x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट टर्म दे रखी है इसको फर्स्ट टर्म से डिवाइड कीजिए। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, 3x² को जब x 3x² को जब x से डिवाइड करोगे तो यहां पर आ जाएगा 3x, 3x² को जब x से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x। तो अब उसके बाद क्या करते हैं, 3x को मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 1 से, तो कितना आ जाता है 3x² प्लस में 3x, ये आ जाता है। मतलब x प्लस 1 को जब आप 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3x² प्लस में 3x, मतलब पहले इसको फिर इसको इससे, उसके बाद ये प्लस वाला क्या हो गया माइनस, और ये प्लस वाला भी क्या हो गया माइनस, ये कट जाएंगे। एक्स वन एक्स, वन एक्स माइनस में 3x कितना हो गया माइनस 2x माइनस में 1, माइनस 1 नीचे आ गया। माय डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम कैसे करेंगे देखिए यहां पे। अब उसके बाद पहली टर्म को वापिस मैं यहां पे लाइन मार देता हूं। ये जो पहली टर्म है माइनस 2x, माइनस 2x को किससे डिवाइड करोगे, x से डिवाइड करोगे। माइनस 2x को x से डिवाइड कीजिए, कितना आ गया माइनस 2 आ गया। x को जब x प्लस 1 को माइनस 2 से करेंगे तो यहां पे माइनस 2x, x को जब माइनस 2 से करा माइनस 2x, प्लस 1 को माइनस 2 से करोगे जब आप लोग यहां पे प्लस 1 को माइनस 2 से, कितना आ जाएगा माइनस 2 आ जाएगा। माइनस का प्लस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, कट गया। प्लस 2 माइनस 1 करो तो कितना आ गया प्लस 1 आ गया। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से तो यहां से रिमाइंडर कितना आ गया प्लस 1। तो ये तो हो गया डिवाइजर, ये हो गया कोशेंट। कोशेंट में आप यहां पे माइनस 2 रख देना क्योंकि आपने अभी सोल्व किया था। कोशेंट डिविडेंड और ये डिवाइजर, ये रिमाइंडर हो गया। आप वेरिफिकेशन के तौर पे भी कर सकते हैं, अगर आप जब आप अपना घर के लिए होमवर्क हो जाएगा वेरीफाई करके देख लीजिएगा। बस इतनी बात याद रखिएगा, पहले बड़ी डिग्री वाली टर्म, फिर छोटी डिग्री वाली, फिर उसे छोटी वाली डिग्री वाली टर्म आएगी। चलिए एग्जाम्पल नंबर सिक्स हो गया है, एग्जाम्पल नंबर सेवन पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेवन देखिए यहां पे। एग्जाम्पल नंबर सेवन के अंदर आप लोगों को पी एक्स गिवन है 3x⁴ माइनस में 4x³ माइनस में 3x माइनस में 1। जी एक्स की वैल्यू गिवन आप लोगों को x माइनस में 1। आप लोगों को यहां पे एक तो क्यू एक्स निकालना है, मतलब क्वोशेंट निकालना है, और क्या निकालना है आर एक्स निकालना है। सबसे पहले चेक कीजिए आपको जो क्वेश्चन गिवन है उस क्वेश्चन के अंदर क्या पहले बड़ी डिग्री वाली टर्म है जी, छोटी डिग्री वाली, फिर उससे छोटे, मतलब 2 डिग्री वाली टर्म नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 1 डिग्री वाली है, उसके बाद 0 है, 2 डिग्री वाली टर्म नहीं है, इसमें एक टर्म मिसिंग है। तो समझ लीजिएगा जब आप सोल्व करोगे तो कुछ ना कुछ ऐसी टर्म आएगी जो खाली रहेगी। मैं सोल्व करना स्टार्ट कर रहा हूं, 3x⁴ माइनस में 4x³ सेकेंड डिग्री वाली टर्म नहीं है यहां पर, तो आप सेकेंड डिग्री वाली टर्म को ऐसे लिख दीजिए प्लस में 0 मल्टीप्लाई बाय x² माइनस में 3x माइनस में 1। ये तो सेम था नीचे, x² वाली जो टर्म है वहां पे मैंने 0 इंटू में x² लिख दिया ताकि सारी डिग्री वाली टर्म रेंज हो जाए अच्छी तरीके से। यहां पे मैं इसको x माइनस 1 से डिवाइड कर देता हूं,
सबसे पहले कैसे करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, पहली टर्म को, ये जो पहली टर्म है इसको पहली टर्म से डिवाइड कीजिए। 3x4 को मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझाने लग गया होगा। 3x की पावर 4 को जब x से डिवाइड करोगे तो यहां से आ जाएगा 3x की पावर 3। तो 3x की पावर 3 को मल्टीप्लाई कीजिए यहां पे, तो 3x की पावर 4 माइनस 1 को जब इससे करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 3x की पावर 3। सोल्व कीजिए इसको यहां पे, ये प्लस की जगह क्या हो गया माइनस, और ये माइनस की जगह क्या हो गया प्लस, ये आपस में कैंसिल हो गई। माइनस 4x³ प्लस में 3x³ कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, माइनस 1x³ हो गया, प्लस में 0 इंटू में x² माइनस में 3x माइनस में 1 माय डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद वापिस पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड कीजिए, ये जो पहली टर्म है इसको पहली टर्म से डिवाइड करेंगे x से, मतलब हर बार जो पहली टर्म आती है उसको पहले नंबर डिवाइजर की पहली टर्म से डिवाइड हमेशा करते हैं। माइनस 1x³ को माइनस 1x³ को माइनस 1x³ को जब x से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 1x², x को माइनस 1x² से मल्टीप्लाई करते जाइए, तो पहले आ गया माइनस 1x³, फिर माइनस 1 को माइनस 1x² से करोगे तो कितना आ गया, प्लस 1x². अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर हम यहां पे 0x² नहीं लिखते तो ये 1x² एक तरीके से डिफरेंट टर्म हो जाती, ना तो ये 3x के नीचे आती ना ये 1 के नीचे आती, क्योंकि लाइक टर्म्स के नीचे ही लाइक टर्म्स आती है। हम कोशिश करते हैं कि लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स आ जाए। अगर 1x² अगर मान लीजिए यहाँ पे 0x² नहीं होता, 1x² हमारा जो है इनसे तो मैच खाता नहीं, तो इसको अलग से रखना पड़ता, तो क्वेश्चन की सिमेट्री खत्म हो जाती। तो क्वेश्चन को सिमेट्रिकल चलाने के लिए हम लोग इसी तरीके से करते हैं, जो टर्म मिसिंग होती है उसको जीरो लगा के स्टार्ट कर देते हैं। बस एक बात याद रखिएगा, जो आपका क्वेश्चन रहता जा रहा है उसको अरेंज करते रहिएगा। सोल्व कीजिए, प्लस हो गया, ये प्लस वाला क्या हो गया माइनस हो गया, कैंसिल कर दीजिए। 0x² में से माइनस 1x² गया तो कितना आ गया, माइनस 1x² माइनस में 3x माइनस में 1 माय डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं वापस पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड कीजिए, माइनस 1x² को जब x से डिवाइड करेंगे, माइनस 1x² को जब x से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, माइनस 1x माइनस 1x आ गया। इसको से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 1x² माइनस 1 को जब इससे करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस में 1x कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, प्लस में 1x आ जाएगा यहाँ पे। तो 3x ये तो कैंसिल हो जाए, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस प्लस यहाँ पे माइनस हो गया, कट गया आपस में, माइनस 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 4x हो गया और माइनस में 1 आ गया यहाँ पे। वापिस कीजिए, वापिस कैसे करोगे आप लोग, यहाँ पे फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कीजिए, मतलब माइनस 4x को प्लस x से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, माइनस 4, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन यहाँ माइनस 1x तो लिख देना, फिर यहाँ पे आखिरी में माइनस 4 आया था, ये माइनस 4 से रखिए इसको यहाँ पे, x को माइनस 4 से कीजिए कितना आ गया, माइनस 4x, माइनस 1 को माइनस 4 से कीजिए कितना आ गया, प्लस 4, ये माइनस का प्लस हो गया और प्लस की जगह क्या आ गया माइनस, ये कट गए कैंसिल हो गए, माइनस 4 माइनस 1 कितना हो गया, माइनस 5। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द डिवाइजर, दिस इज द क्वोशेंट, दिस इज द रिमाइंडर एंड दिस इज द डिविडेंड। वेरिफिकेशन के तौर पे इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर देना और इसमें ऐड कर देना, आप लोगों का डिविडेंड आ जाएगा अगर आप वेरीफाई करके देखना चाहते हो। माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूं जो आपको घर के लिए करने हैं, और ये क्वेश्चन मैं खुद भी करवा रहा हूं, क्योंकि जब तक आप इन क्वेश्चन की खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ही इनके जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो आप लोगों के बेहतरीन नहीं हो पाएंगे, अच्छे से नहीं हो पाएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 8 करवाने से पहले मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूं, आपको 4x² प्लस में 3x माइनस 2 को एट एक्स की पावर 4 प्लस में 14x की पावर 3 माइनस में 2x² प्लस में 7x और माइनस में 8, आपको इसे डिवाइड करना होगा। पहला क्वेश्चन ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, इसी में मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए, ये एक अलग क्वेश्चन है, इसको इसे डिवाइड करना होगा, आपको डिवाइजर क्वेश्चन निकालना और रिमाइंडर निकालना है। सेकंड नंबर पे जो क्वेश्चन होगा उसमें x प्लस 1 होगा, उसको x³ प्लस में 8x² प्लस 16x प्लस में 9 से डिवाइड करना होगा। जो थर्ड क्वेश्चन होगा उसमें आपको 3x प्लस में 10 को
3x की पावर 3 प्लस में 4x स्क्वायर माइनस में 11x प्लस में 30, इससे डिवाइड करना होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन और दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4, जो आपको करके देखना होगा। x प्लस 1 को x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x ले लीजिए, इसको आपको एक्स क्यूब प्लस में 5x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 3 से डिवाइड करना होगा। मैं आंसर भी लिख देता हूं, जो पहला क्वेश्चन होगा उसमें आंसर आएगा 2x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 1। जो सेकंड होगा जिसमें आप x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 9 होगा। और जो थर्ड होगा 3x प्लस 10 वाला, उसमें आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 3। और जो फोर्थ होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाला, उसमें जो आंसर आएगा वो आएगा x प्लस में 3। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये चारों क्वेश्चन के चारों के मैंने आंसर लिख दिए यहाँ पे, आप लोगों को ये सोल्व करके देखने होंगे। किसी भी बच्चे को अगर कोई भी चीज समझ में ना आए तो वो मुझसे फोन करके पूछ सकता है। इसके बाद मैं आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 8 स्टार्ट कराने जा रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 8, इसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहते हैं। दिस मेथड इज नोन एज लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड इन दीज क्वेश्चन वी आर वेरीफाई बाय डिवीजन एल्गोरिथम। हमें एग्जाम्पल नंबर 8 पेज नंबर 38 पे दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 8 दे रखा है माई डियर स्टूडेंट्स। उसमें हमें पी एक्स दे रखा है एक्स क्यू प्लस 1 और जी एक्स दे रखा है आप लोगों को यहां पे एक्स प्लस 1। हम इसको अरेंज कर देते हैं एक्स क्यू प्लस में 0 इंटू में एक्स स्क्वेयर प्लस में 0 इंटू में एक्स प्लस में 1। सभी टर्म्स लगा, 3 डिग्री वाली के बाद 2 डिग्री वाली टर्म, फिर उसके बाद 1 डिग्री वाली टर्म, उसके बाद 1 तो था ही आप लोगों का। स्टार्ट करते हैं, एक्स प्लस 1 से डिवाइड कर दीजिए माई डियर स्टूडेंट्स। एक्स क्यू प्लस में 0 इंटू में एक्स स्क्वेयर प्लस में 0 इंटू में एक्स प्लस में 1। सबसे पहले पहली टर्म को पहली टर्म से जब डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वेयर आएगा। आई थिंक अब करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं कर देता हूं। एक्स स्क्वेयर आ गया तो एक्स स्क्वेयर से कीजिए, एक्स स्क्वेयर से जब इसको करोगे एक्स क्यूब आ गया, एक्स स्क्वेयर को जब इससे करोगे तो कितना आ गया प्लस में 1x स्क्वेयर आ गया। ये प्लस वाला माइनस हो गया और प्लस वाला भी क्या हो गया माइनस, ये कैंसिल आउट हो गए। यहां पे कितना आ गया माइनस 1x स्क्वेयर प्लस में 0 इंटू में x प्लस में 1। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैं निकाल देता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा लग रहा है मुझे आज, सॉरी बच्चों, आप लोगों के 10 सेकंड आसपास का समय खराब हुआ। एक्स प्लस 1, अब वापिस माइनस 1x स्क्वायर को माइनस 1x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे। भी पहली टर्म को यहां पे जैसे पहली टर्म से डिवाइड किया था, अब यहां पे भी पहली टर्म से डिवाइड करोगे। माइनस 1x स्क्वायर को x से डिवाइड कीजिए, क्या आ गया यहां पे माइनस 1x आ गया। माइनस 1x स्क्वायर को x से डिवाइड करा तो माइनस 1x आ गया, माइनस 1x है तो माइनस 1x को इससे करो तो कितना आ गया माइनस 1x स्क्वायर। माइनस 1x को जब इससे करोगे तो कितना आ जाएगा यहां पे माइनस 1x, ये प्लस का हो गया, प्लस का कैंसिल आउट हो गए तो ये प्लस 1x आ गया, यहां पे प्लस 1 हो गया। देखो बच्चों सेम ही आ रहा है, x प्लस 1 है, x प्लस 1 है तो सीधा ही कर देना, 1 से ही कर देना, मतलब एक्स स्क्वेयर माइनस 1x तो था ही यहां से जो निकल के आया था। अब ये सेम ही है, जैसे यहां पे भी 5 और यहां पे भी 5 है तो 5 1 5 कह देते थे, यहां पे 6 है यहां पे भी 6 है तो 6 1 6 कह देते थे। इसी प्रकार से x प्लस 1 है यहां भी x प्लस 1 है तो आप क्या कह दोगे x प्लस 1 1 जा x प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो गया और आप लोगों का आंसर आ गया। दिस इज नोन एज डिवाइजर, दिस इज नोन एज कोशेंट, दिस इज नोन एज रिमाइंडर, दिस इज नोन एज डिविडेंड। वेरिफिकेशन के तौर पर आप करके भी देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। लॉन्ग डिवीजन मेथड यहां स्टॉप होता है। तो आप लोगों को ये चारों क्वेश्चन करके देखने हैं घर के लिए, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत ना आए। अगर किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे फोन करके पूछ सकते हैं। इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। आप लोगों को लॉन्ग डिवीजन मेथड के अंदर आप लोगों ने एक चीज देखी,
जैसे यहां पे भी आपने रिमाइंडर निकाला था सोल्व करके, ये रिमाइंडर बनाया लेकिन लॉन्ग डिवीजन से, यहां पे रिमाइंडर 7 आया लॉन्ग डिवीजन से, यहां पे रिमाइंडर 0 आया, यहां भी रिमाइंडर एक तरीके से 0 ही आ रहा है अगर आप देखें तो, यहां पे ये रहा, यहां पे रिमाइंडर -5 आ रहा है, यहां रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो अगर बाई चांस कभी पेपर में अगर वो डायरेक्ट पूछे कि हाँ भी आप लोग रिमाइंडर निकाले, आपको लॉन्ग डिवीजन ना बोले, कि वो ये ना कहे कि आप भी बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड फाइंड आउट द रिमाइंडर, लॉन्ग डिवीजन मेथड से बोले रिमाइंडर निकालने के लिए, तो आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर कहते फाइंड द रिमाइंडर, तो उस तरह के क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, ये देखिए आप यहां पे, जब भी हमें क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए फाइंड द रिमाइंडर When एक्स स्क्वेयर प्लस में 7x प्लस में 10 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2, एक तो मेथड होगा माई डियर स्टूडेंट्स कि आप इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से x प्लस 2 को एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10 इसे डिवाइड कर दीजिए तो रिमाइंडर आ जाता था आप लोगों का यहां पे कुछ ना कुछ, आप जब करके भी देखेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, लेकिन आप लोगों को इस मेथड से नहीं करना। जब सिर्फ रिमाइंडर बोला जाए, फाइंड द रिमाइंडर, जब सिर्फ फाइंड द रिमाइंडर बोला जाए, तो आपको सिर्फ इसमें एक छोटा सा काम करना है, इसका मैं कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा आप लोगों को, डेफिनेशन भी बताऊंगा रिमाइंडर थ्योरम की। तो फिलहाल एक बार आप इसका कॉन्सेप्ट, फिलहाल आप इसको समझिए कि इस क्वेश्चन को करना कैसे, एंड देन उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे आगे। आपको जो भी डिवाइजर दे रखा होगा उसको जीरो के इक्वल रख दीजिएगा, जो भी डिवाइजर दे रखा होगा, जैसे यहां पे डिवाइजर x प्लस 2 दे रखा है उसको जीरो के इक्वल रख देंगे तो x इक्वल टू कितना आ गया -2। जो भी वैल्यू आई है उसको तुरंत डिविडेंड में पुट कर दीजिएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस में 7x प्लस में 10, इसको तुरंत किस में पुट करेंगे आप लोग, डिविडेंड के अंदर, x इक्वल टू -2, डिविडेंड जो भी था उसको -2 पुट कर दीजिए, -2 की पावर 2 प्लस में 7 -2 प्लस में 10, -2 की पावर 2 कितना हो गया 4, माइनस में 14 प्लस में 10, 10 प्लस 4 14, 14 माइनस 14 कितना हो गया 0। तो ये जो 0 आएगा ये रिमाइंडर होगा, ये 0 जो आया वो क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। तो ये डायरेक्ट मेथड है, किसी भी पॉलिनोमियल को अगर किसी भी पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर सिर्फ रिमाइंडर रिमाइंडर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, डिवाइजर को जीरो के इक्वल रख देते हैं, वो वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं, जो आंसर आता है वो रिमाइंडर कहलाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स आई थिंक सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप इसको सॉल्व भी करके देखोगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। जैसे माय डियर स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन हम पीछे से ले लेते हैं, पीछे वाले जिनमें हमने सारे क्वेश्चन किए थे, मैं आपको सबको प्रूव करके दिखाता हूं। जैसे आपने यहां पे पी एक्स गिवन था एक्स क्यू प्लस 1 और जी एक्स गिवन था एक्स प्लस 1, तो यहां पे अगर वो कहते था रिमाइंडर निकालो, सिर्फ रिमाइंडर निकालने के लिए कहते थे, एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता था, जो दूसरा मेथड होता था वो मैंने क्या कहा था, जो भी डिवाइजर दे रखा होगा, डिवाइजर जी एक्स होता है, या कम डिग्री वाली टर्म देख लिया करो, ये 3 डिग्री वाली है, 2 डिग्री वाली, ये 1 डिग्री वाली है, तो इसको हम क्या करते थे, मैंने एक्स प्लस 1 को क्या कहा था, 0 के इक्वल रख दो, एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहां से -1 आ गई, और उसके बाद x की वैल्यू -1 पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, एक्स क्यू प्लस 1 एक्स की जगह -1 पुट कर दीजिए तो -1 प्लस 1 कितना आ गया 0। आप देख सकते हैं यहां भी 0 आ रहा था, यहां पुट करने के बाद रिमाइंडर कितना आया 0। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, मैं आपको और करके दिखाता हूं। जैसे जैसे यहां पे px कितना गिवन है माय डियर स्टूडेंट्स, px गिवन है 3x की पावर 4 माइनस में 4x की पावर 3 माइनस में 3x माइनस में 1, और यहां पे gx कितना गिवन है माय डियर स्टूडेंट्स, gx गिवन है x माइनस 1। इस तरीके से आप कैसे करोगे, मैंने आपको क्या कहा था, x माइनस 1 को 0 के इक्वल रख लीजिए, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो आप px में x की जगह 1 रख दीजिए, x की जगह 1 रख दीजिए माइनस में 4, x की जगह 1 रख दीजिए माइनस में 3, x की जगह 1 रख दीजिए 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1। माय डियर स्टूडेंट्स अगर कुछ नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछ सकते हो, 3 से 3 कट गया -4 -1 तो कितना आ गया -5, ये देखो बच्चों ये रिमाइंडर आ गया। तो डायरेक्ट रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ डिवाइजर को जीरो के इक्वल रख लेते हैं,
जो वैल्यू आती है उसको पॉलिनोमियल पुट कर देते हैं, उससे हमारा डायरेक्ट रिमाइंडर निकल आता है। तो पीछे वाले जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे इनके सबके रिमाइंडर आपको चेक करने होंगे। x प्लस वन को जीरो के इक्वल रख देना, x इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा और माइनस वन यहां पुट कर देना, यहां पे x प्लस टू इक्वल टू जीरो आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस टू आ जाएगा, माइनस टू यहां पुट कर देना, x प्लस टू यहां पे भी जीरो आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस टू आ जाएगा और x इक्वल टू माइनस टू यहां पुट कर देना, रिमाइंडर आ जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से रिमाइंडर निकालने को हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ये एक रिमाइंडर थ्योरम के कॉन्सेप्ट से निकाला जाता है, जो कि आपको पेज नंबर 35 बुक के अंदर गिवन भी है। रिमाइंडर थ्योरम की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो रिमाइंडर थ्योरम, मेरे प्यारे बच्चों, पेपरों में कभी आती नहीं है लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूं ताकि इनकेस अगर आप लोगों को कोई भी चीज अगर समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हो। आप जब लाइव लेक्चर में आएंगे तो उसको बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में भी समझा दी जाएगी। लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू वन एंड लेट ए बी आ एनी रियल नंबर इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए देन द रिमाइंडर इज पी ए। मैं समझा देता हूं। अगर मान लीजिए कोई भी एक पॉलिनोमियल गिवन है पी एक्स, उसकी जो डिग्री है, डिग्री मतलब उसकी जो मतलब मैक्सिमम पावर है, वो चाहे उसकी मैक्सिमम पावर या तो वन होगी या वन से ज्यादा होगी, मतलब एक्स स्क्वेयर प्लस वन हो सकती है, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वेयर प्लस में एक्स प्लस वन, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्स क्यू प्लस में एक्स स्क्वेयर प्लस वन, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्स की पावर फोर प्लस में एक्स स्क्वेयर प्लस वन, कुछ भी होगी। तो अगर इस पॉलिनोमियल को किसी लीनियर पॉलिनोमियल से, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब हमेशा याद रखना, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब उसकी डिग्री वन होनी चाहिए। ये रिमाइंडर थ्योरम तभी लगती है जब लीनियर पॉलिनोमियल जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री वन होनी चाहिए। आप अगर ध्यान से देखो तो जितने भी क्वेश्चन हमने देखे थे उनमें सब में लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे थे, लीनियर लीनियर लीनियर, ये इनमें रिमाइंडर नहीं निकालना, ये तो सिर्फ लॉन्ग डिवीजन वाले मेथड थे। ये लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, ये लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, ये लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब वन डिग्री वाले से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब भी लीनियर पॉलिनोमियल से आप लोग डिवाइड करते हो तो वहां उस केस के अंदर हमेशा याद रखिएगा, जो पी एक्स को जब डिवाइड करोगे लीनियर पॉलिनोमियल